इब्तदा की थी, और जो कॉलेज इन्होंने कायम किया उसमें यूनानी और आयुर्वेद दोनों सिस्टम को लेकर चले थे। और इनकी खिदमात बयान करने के लिए हमारे जो मुकर्रदीन हजरात हैं वो हैं मौजूद। मैं बग़ैर ताख़ीर ये चाहूँगा कि इसके जो प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर दिलशाद साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करें। आइए डॉक्टर दिलशाद साहब, एक अल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है कि मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है सितारों पर जोड़ डालते हैं कमन। आइए डॉक्टर दिलशाद साहब। अस्सलामु अलैकुम। आज इस महफिल में तमाम हाजरीन और हुक्मा सभी लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, और बिलखसूस जनाब जी वक़ार असदुल्ला खान साहब और साद उस्मानी साहब, हमारे जो इस प्रोग्राम के मेहमान एजाज़ी हैं हकीम तैयब ज़िया साहब और डॉक्टर हसन एच के वारसी साहब और डॉक्टर नसीमुज़फ़र साहब और हकीम गुलजार साहब, इन सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और मेरी दावत कबूल की। इतनी बड़ी पर्सनालिटी हकीम अजमल खान, मेरी ज़ात कहाँ कि मैं उनका जश्न विलादत मना सकूँ, लेकिन ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और चंद लोगों को मैं इकट्ठा कर सका। इसके हकीम अजमल खान के लिए किसी शायर ने खूब कहा है, हाफिज़ कहूँ हकीम कहूँ फ़ख्रे इंडिया कहूँ, बादे गुल शरीफ का गुल ज़ेबा तुझे कहूँ, आखिर जमा मेरी इस तरह बंद हुई, हिंद का मसाइब तिबका मसीहा कहूँ तुझे। हकीम अजमल ख़ान की ऐसी शख्सियत, और जितने हमारे मुकर्रीन हैं सभी उनके ऊपर रोशनी डालेंगे क्योंकि प्रोग्राम ही उन्हीं के लिए किया गया। तो इसलिए मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए आगे इस प्रोग्राम की कार्रवाई के लिए जनाब डॉक्टर फ़हीम साहब को बुलाऊँगा कि वहाँ आए और प्रोग्राम की कार्रवाई लें। शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी ये इब्तदाई एक्टिविटीज़ बता दिए हैं कि मामला काफ़ी लंबा चलेगा। इब्तदाइश कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब हमारे जो मेहमान इकराम हैं, मैं चाहूँगा कि उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल किया जाए। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर परवेज़ आलम खान से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और डॉक्टर नसीम मुजफ़र साहब के इस्तकबाल करें बैज लगा कर। डॉक्टर परवेज़ आलम साहब, डॉक्टर नसीम मुजफ़र साहब का इस्तकबाल करते हुए। शुक्रिया डॉक्टर परवेज़ साहब। अब हकीम रैयान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर वारसी साहब को बैज लगाएं। और सुनो, डॉक्टर तनवीर हैदर साहब से गुजारिश है, जो मेडिकल ऑफिसर हैं सीएससी भेजोई में और आज इस प्रोग्राम के लिए छुट्टी लेकर यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो हमारे हकीम गुलजार साहब का इस्तकबाल करें बैज लगाकर। शुक्रिया डॉक्टर तनवीर साहब। अब डॉक्टर यूनुस साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और हकीम तैयब ज़िया साहब का इस्तकबाल करें बैज लगाकर।
मिनट तो बैठ जाएगा जरा और डॉक्टर महमूद जैदी साहब से गुजारिश है कि वो साद उस्मानी साहब का इस्तकबाल करें, बैज लगाएं। डॉक्टर नैयर जमाल साहब से गुजारिश है कि वो हकीम असदुल्ला साहब, असदुल्ला खान साहब का इस्तकबाल करें। और अभी मुझे हुक्म हुआ है कि हमारे दरमियान मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सहील साहब वो मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आइए डॉक्टर साहब, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। आइए शुक्रिया। और मैं डॉक्टर दिलशाद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इस्तकबाल खुद ही करें और एक बैज लगाएं। सिस्टम बिगड़ जाएगा नसीम भाई, मुझे परमिशन नहीं है इधर से। अच्छा सब लोगों की राय ले ली जाए। अच्छा अच्छा जमहूरियत के, चलो ठीक है। तो नसीम भाई कुक बोलने का तो मौका दे दें, थोड़ा प्रोग्राम में एक स्लाइटली चेंज है और जो सबसे